ममता सुर के मोह ममतापुर में आप दोनों का स्वागत है। मुझे भली भांति ज्ञात था कि आप दोनों मुझसे भेंट करने यहाँ अवश्य आएंगे। आप यहाँ अपने भ्राता के प्रति शत्रुता भाव से आए हैं, ये मुझे भली भांति ज्ञात है, किंतु मैं एक उत्तम भ्राता होने का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। उचित स्वागत करूंगा मैं आपका। स्वागत करो। तो पुष्प नहीं, ये विषैले झाड़ के अंश है। सुर के मोह ममतापुर में ममता की ही नहीं, मूर्खों की भी कोई कमी नहीं है। इनका तो जीवन पूर्ण हो गया, अब आप कैसे बचेंगे गणेश जी? इन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मैंने इनके लिए श्वेत पुष्प नहीं विषैले कांटे बिछाए हैं। क्या हुआ भ्राताओं, अभी तक आप वहीं क्यों स्थित हैं? आइए आइए आइए, भीतर आकर अपने इस भ्राता को आपके उचित आदर सत्कार का अवसर प्रदान कीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ तुम्हारे क्षमा कीजिए भैया, किंतु यदि ममता सुर भ्राता मानकर हमारा सत्कार करना चाहता है तो इसमें अनुचित क्या है? भैया स्थिति को समझिए, इसे इसके छल में उलझा कर ही हम इससे माँ की दिव्य गदा प्राप्त करने में सफल होंगे, समझे भैया? अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं प्रथम पूज्य हूँ, इसीलिए विधि के अनुसार सर्वप्रथम आगे बढ़ने का अवसर तो मुझे ही प्राप्त होना चाहिए ना? अवश्य अनुज। मेरे प्रिय भ्राताओं, इन सुंदर पुष्पों में छुपे विषैले कांटों से तो अब आपके पत्रांत तो क्या कोई रक्षा कवच भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ममता सुर के मुख पर इतना कुटिल भाव, अर्थात ये पुष्प वास्तविक नहीं, भ्रम है, छल है। कोमल पुष्प है ये, विषैले कांटे पुष्पों में कैसे परिवर्तित हो गए? इन पुष्पों को हमारे मार्ग में बिछाकर हमारा स्वागत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ममता सर। अनुज गणेश, आज हम प्रथम बार ममता सर के स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि ममता सुर को आगे आकर हमारे चरण स्पर्श करके हम दोनों का स्वागत करना चाहिए?
विशेषकर प्रथम पूज्य गणेश जी का तो करना ही चाहिए। भैया उचित कह रहे हैं ममता सर। आयु में तुमसे अधिक होने के कारण तुम्हें यहाँ आकर हमसे आशीष लेना चाहिए। गणेश जी ने चमत्कार कर विषैले झाड़ के कांटों को पुष्पों में परिवर्तित कर दिया, किंतु यदि इस कालकूट विष का मेरे चरणों में स्पर्श भी हुआ तो कहीं मेरे जीवन पर ही कोई संकट ना छा जाए। क्या हुआ ममता सर, आओ आगे बढ़ो। हाँ ममता सर, अन्यथा माँ को ज्ञात होगा कि हम इतने स्नेह से तुमसे भेंट करने पहुँचे और तुमने उचित प्रकार से हमें प्रणाम भी नहीं किया, तो उनका हृदय कितना आहत होगा। और उस पीड़ा से उत्पन्न हुए क्रोध के कारण कहीं ऐसा ना हो कि तुमने उनसे वरदान में जो प्राप्त किया है कहीं वो तुम्हें उससे ही वंचित ना कर दे। अब माँ के क्रोध का क्या पता, समझ रहे हो ना तुम। ये कैसी दुविधा प्रकट हो गई, अब मैं क्या करूं। अनुज गणेश, कदाचित ममतासुर हम दोनों का स्वागत करने का इच्छुक ही नहीं है। चलो हम ही जाकर माँ को इसके इस कपट से अवगत करवाते हैं। हाँ भैया चलिए। चलो आओ। अब नहीं नहीं रुकिए। पूरे फंसे ममतासुर, गणेश तुम्हारे छल से तो सुरक्षित रह गया, अब देखना है तुम स्वयं को अपने ही छल से कैसे बचाते हो। प्रणाम तो दाहिने हाथ से ही किया जाता है ना। आप दोनों चतुर अवश्य हैं, किंतु एक प्रकार से मैं भी आपका भ्राता ही हूं, इसलिए मुझे उलझाना इतना सरल नहीं। भैया अत्यंत कपटी है ये दुष्ट, सर्वप्रथम हमारे विरुद्ध अपनी माया का प्रयोग किया इसने, और अब हमारी माँ से प्राप्त दिव्य अस्त्र से ही स्वयं को सुरक्षित भी कर रहा है। क्या हुआ मेरे प्रिय भ्राताओं, अपने इस भ्राता को आशीष नहीं देंगे आप। शीघ्र विकार मुक्त होकर सत्कर्म करो। जो कभी होगा नहीं। मैं भी तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम कुपथ का त्याग कर सुपथ को स्वीकार करो। मेरे दोनों भ्राता स्वप्न बहुत देखते हैं। आइए भीतर प्रवेश कीजिए, मैं ऐसा आदर सत्कार करूंगा आप दोनों का जैसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। हम भी देखते हैं कि इस गदा को कब तक थाम के रख सकते हो तुम। आइए मेरे अतिथि गृह में स्वागत है आप दोनों का। ममतासुर एक सुझाव है तुम्हारे लिए, तुम तनिक सतर्क रहना क्योंकि गणेश माँ को सर्वाधिक प्रिय है, इसीलिए उसके अतिथि सत्कार में यदि तुमसे कोई चूक हो गई तो माँ क्रोधित होकर केवल तुम्हारी सहायता से ही मुख नहीं मोड़ेंगी अपितु इसके लिए तुम्हें कठोर से कठोर दंड भी देंगी। और गणेश तो इतना विशेष अतिथि है तुम्हारे लिए कि उसका सत्कार तुम्हें सेवकों द्वारा नहीं
अभी तो स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। सेवक नहीं, अपने प्रिय भ्राताओं की सेवा तो मैं स्वयं ही करूंगा। ये कैसा वचन दे दिया मैंने इन्हें? ऐसा करने पर तो मुझे अपनी गदा को अपने हाथों से मुक्त करना होगा। आरंभ कीजिए भ्राताओं। और लड्डू दीजिए ना। पूरे सब्जी, दाल, ममता सर खीर दीजिए। लड्डू दीजिए। मोदक, जल दीजिए। तुमने हमें अत्यंत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत कर आनंदित कर दिया ममता सर। इनका प्रस्थान करना ही उचित होगा, अन्यथा कहीं मैं स्वयं ही थकान से गिर न जाऊं। अब विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। ये दोनों तो अभी भी यही हैं। मुझे अपनी गदा को अपने हाथों में ही रखना चाहिए। ये क्या ममता सर? तुम्हारे अतिथि अभी भी यहीं तुम्हारे समक्ष ही उपस्थित हैं। और तुम विश्राम करने का विचार कर रहे हो? लज्जा नहीं आ रही है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, अब मैं बैठ कर रहा हूं। मैं तो अपने स्थान पर ही स्थित हूं। एक हाथ से गदा को थामे हुए और दूसरे से इन दोनों की सेवा। कितना थक गया हूं मैं। कदाचित अब तुम्हारे लिए अपनी गदा को संभालना भी कठिन हो रहा है ममता सर। तो अब हम प्रस्थान कर तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जिस श्रद्धा से तुमने हमारा सत्कार किया, उसी श्रद्धा से बुराई का त्याग कर तुम अच्छाई के पथ पर भी अग्रसर होगे। अब विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। भैया, जब तक हम इसके समक्ष होंगे, ये गदा को अपने हाथों से कदापि दूर नहीं करेगा। हमें यहाँ से जाना ही होगा। मुझे मेरे ही जाल में फंसाने आए थे दोनों। किंतु मैंने उनकी योजना को विफल कर दिया। हमारे जाल में तो तुम उलझ चुके हो ममता सर।
दोनों तो यहां से प्रस्थान कर गए थे, ये दोनों यही है। मेरी गदा। बोलो, बताओगे ना ये भी? माँ के पुत्र को आहत करने का इतना बड़ा प्रयास किया तुमने, फिर यदि गणेश ने भी कुछ माया का प्रयोग कर लिया तो इसमें कैसा छल? भैया, जब तक हम इसके समक्ष होंगे ये गधा को अपने हाथों से कदापि दूर नहीं करेगा। कदाचित अब तुम्हारे लिए अपनी गदा को संभालना भी कठिन हो रहा है ममतासुर, तो अब हम प्रस्थान कर तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त करते हैं। जिन्होंने यहां से प्रस्थान किया था वो दोनों केवल इनके माया के प्रतिरूप थे। हाँ, और हम स्वयं यही थे, तुम्हारे अत्यंत निकट। आपको क्या लगा कि मैं अपनी वास्तविक गदा को अपने हाथों से विलग होने दूंगा? मुझे आपके आगमन से ही संदेह हो गया था, इसीलिए तो मैंने एक अन्य गदा थाम रखी थी। वास्तविक गदा तो अब भी मेरे हाथों में है। क्या हुआ, आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे? मैं सत्य कह रहा हूं, वास्तविक गदा मेरे हाथों में ही है। जो इस समय आपके पास है वो तो एक साधारण गदा है जिसका कोई लाभ नहीं, छोड़ दीजिए उसे। मैं आश्चर्यचकित हूं ममतासुर, कोई इतना अबोध कैसे हो सकता है भला? तुम अब तक भी नहीं समझ पाए, माया के देवता को अपनी माया से छलने का प्रयास कर रहे हो तुम अब भी। तुमने हमारा उत्तम आदर सत्कार किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर और प्रदान करता हूँ। सुधर जाओ, ममता का अनुचित लाभ उठाना छोड़ दो। देखो ममता सर, हम यहाँ तुम्हें हानि पहुँचाने नहीं, अभी तो तुम्हारे भीतर के विकार को नष्ट करने आए हैं। इसीलिए यदि तुम स्वयं अपने भीतर के विकार का त्याग कर दो तो हम तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाएंगे। माते माते माते, मेरे भोले भ्राताओं, इतनी सरलता से भयभीत होने वाला नहीं हूं मैं। मेरे विकार जो मेरे जीवन का आधार है उनका परित्याग कर दूं? कदापि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं महानायक भंडासुर जी को प्रसन्न करना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये तो तभी होगा जब मेरे विकार से प्रभावित बालक अनुशासन के सभी नियमों को भंग कर और अपने माता पिता की अवज्ञा और अपमान करेंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे। और बालकों की ये कुटिलता समय के साथ निरंतर बढ़ती जाएगी। मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा ममतासुर। ये लो। दात,
बताओ, पहले मुझे ढूंढ कर तो दिखाओ। संतुलित ममता द्वारा ही संतान को सही संस्कार दिए जा सकते हैं।